हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। शाम से हम लोग जा रहे हैं पार्क में वॉक कर रहे हैं, और यहाँ पे अंकल और उनके अंकल आंटी और उनके बच्चे भी आए हुए हैं, तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। मोस्ट प्रॉबली हम उनके घर जाएंगे उन लोगों के साथ, क्योंकि वैसे तो अंकल ही हमें पिक एंड ड्रॉप करने आते हैं जब भी, लेकिन आज जो हमारे घर के बिल्कुल सामने वाला पार्क है वहाँ पे वो लोग आए हुए थे, तो और हमारा भी था उनके घर जाने का प्लान, तो हमने ऐसे म्यूचुअली डिसाइड कर दिया कि जब उनके बच्चे खेल खूल लेंगे तो फिर वो हमें बता देंगे और हम वॉक करते हुए पार्क में ही आ जाएंगे। हमारी थोड़ी सी वॉक हो जाएगी और फिर हम यहीं से उनके साथ उनके घर जाएंगे। एक तो मिलना था, पाकिस्तान जाने से पहले मिले थे उनसे, सेकेंडली उनके लिए जो पाकिस्तान से कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए हैं वो देने थे, तो बस अभी उनके घर जा रहे हैं। आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। और ये है जी हमारा पार्क। बहुत दफ़ा मेरी बहुत सारी वीडियोस में आप लोग देख चुके होंगे। अभी तो स्टार्ट हो रहा है, आगे जाके असल से स्टार्ट होगा। सो बस चलें, थोड़ा सा आप लोगों को पार्क दिखाएंगे अपने घर के सामने वाला, और फिर आगे अंकल आंटी की तरफ जाते हैं। समर्स आर ऑलमोस्ट हेयर। बहुत अच्छा वेदर है, हल्की हल्की ठंड अच्छी वाली जो बर्दाश्त हो जाए, लाइक एक हुडी या एक स्वेटर एक हल्की सी जैकेट के साथ आप बाहर निकल सकते हैं। एंड सैटरडे है सो एवरीबडी इज़ आउट, सब अपने बच्चों को लेकर आए हुए स्विंग्स पे, और इस वक्त ये 7 बजे का टाइम है, पर आप लोगों को देख के लग रहा होगा कोई 3-4 बज रहे हैं, क्योंकि बस अब समर्स आ गई हैं तो दिन बड़े हो गए हैं। ये रहे हमारे मियाँ जी और अब हम जा रहे हैं। थोड़ा टाइम हमने अंकल आंटी और उनकी फैमिली के साथ पार्क में गुजारा था, उसके बाद फिर हम लोग उनके घर की तरफ जा रहे थे। और अगर आप लोग पहले से व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग जानते ही होंगे अंकल आंटी को, दे आर लाइक आर फैमिली, हमेशा वही हमें पिक एंड ड्रॉप देते हैं उनके घर। बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया हमने, बहुत ज्यादा इंजॉय किया। लेट नाइट आए थे हम काफी, जब भी अंकल आंटी के यहाँ जाओ ना बहुत लेट हो जाता है, बच्चों के साथ इनडोर गेम्स वगैरह खेलने में वक्त पता ही नहीं चलता। खैर ये नेक्स्ट डे है, हम लोग सुबह उठे नाश्ता किया, उसके बाद हम लोगों ने घर के कुछ जरूरी काम किए, किचन पूरा ऑर्गेनाइज करना था, जो सारा सामान कार्गो में आया है वो सब ठिकाने लगाना था, और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। जो वीकली चीजें होती हैं फ्रूट्स और डेयरी का आइटम वो सब तो लेना ही पड़ता है हर वीक जाकर। ये वही बात है ना कि ये बंद नहीं है, अंदर से ऊपर से बंद नहीं है, बस बेडरूम के पीछे रख सकते हैं। हाँ यार ये लेना है। नहीं अरे वो वाला खत्म हो गया, बाल्टी वाला ना मुझे पता था नहीं बचेगा, पीछे भी नहीं है। ये सारे वाइप वाले हैं। लास्ट टाइम जब हम लिडल आए थे तो हमने देखा था यहाँ पे एक मॉप सेट आया हुआ था, जो मुझे चाहिए था टप और मॉप का, और मैं काफी दिनों से लेना चाह रही थी, और यहाँ पे ना बहुत रीजनेबल प्राइस में लगा हुआ था, लेकिन उस वक्त हमने लिडल से आगे कहीं और जाना था तो हम पूरा बॉक्स उठा के ले जा नहीं सकते थे, वी जस्ट मिस्ड इट। और अब वो मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि अच्छी चीजें जब आधे प्राइस पे लगी हो तो बचती ही नहीं है। बस समर्स आ गई है ना, तो अब सारी समर्स वाली चीजें आ गई हैं, सैंड प्ले, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, बीच बेड, या दीज आर फॉर बीच पिकनिक एंड ऑल। हम देख लेते हैं कुछ स्मूदीज के लिए, फ्रोजन स्ट्रॉबेरी एंड बनाना स्मूदी मिक्स, नो दिस इज फ्रूट मिक्स, सॉरी स्मूदी मिक्स, मिक्स ऑफ पाइन एप्पल पपाया मैंगो पीसेस के ले लेते हैं। सो ग्रॉसरी लेकर हम आ गए हैं, कॉटन बर्ड्स हैं और टोमेटोज हैं, होल व्हीट स्पेगेटीज हैं, एंड साथ में मैं ये कोकोनट वाटर लेकर आई हूँ, बस अब समर्स आ गई हैं सो ये कंपलसरी आया करेगा घर पे। स्पंज क्लोथ्स ख़त्म हो गए थे तो वो लेकर आई हूँ, लेमन है, देसी शॉप से भिंडी लेकर आई हूँ, इतने मज़े की फ्रेश भिंडी थी, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने हाफ के जी ले ली। दो यहाँ पे भिंडी बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन बहुत बहुत अमेजिंग फ्रेश एकदम आई हुई थी। फ्रोज़न भिंडी भी मिलती है यहाँ पे, अक्सर लोग यूज़ करते हैं शाना की मिलती है, बट पता नहीं क्यों मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मुझे लगता है कि खाना फ्रेश ही होना चाहिए यूज़। सो ये भिंडी है, इसको काटेंगे। अच्छा मेरा आइसक्रीम खाने का इतना शदीद दिल चाह रहा था इतने दिनों से,
तो ये वीगन है। आइसक्रीम भी यहाँ पे देख के खानी पड़ती है क्योंकि जेलेटिन होता है, वीगन है और नॉन डेयरी है। सो यही ऑप्शन मुझे मिला तो ये मैंने ले लिया है। और ये देखें, ये पाकिस्तान और कराची का मैंने लगा दिया। आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर किया है कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, उसमें मैंने ये दिखाए थे। सो दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ कराची, ये जब हम जर्मनी स्पेन गए थे वहाँ का है, मैड्रिड का है। और साथ में ये देखें कितने कूल कूल से हैं। सो आई एम रियली हैप्पी। ऐसे ही मैगनेट्स को मैंने लगा दिया है, अच्छे लग रहे हैं ना। आई थिंक मैं कराची को ऊपर रखूँगी एंड पाकिस्तान वाला नीचे आएगा। या दिस इज़ बेटर। काफ़ी सारा सामान इधर भी है। ये ऑयल है, ये मुझे अच्छी लगती है, रोस्टेड एंड सॉल्टेड पीनट्स। ये हैं, ये मैंने स्मूदी के लिए लिया है, फ्रोज़न कुछ पाइन एप्पल्स एंड कुछ दूसरे फ्रूट्स हैं और बेरीज़ हैं। तो बस ये सब जगह पे रखते हैं और उसके बाद काम करते हैं बाकी। दिस आइसक्रीम इज़ सो 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 गुड। आप लोगों से जो भी यूके और यूरोप में रहता है वो लिडल की ये वाली आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करें। दिस इज़ सो गुड, बिल्कुल भी मीठी नहीं है और कोको का इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, साथ में ब्राउनी भी इतने मज़े की है, लाइक इतने ज़्यादा चंक्स हैं ब्राउनीस के, तो बहुत बहुत मज़े की है, इसको ज़रूर ट्राई करें। तो वेजिटेरियन है, देन नॉन डेयरी भी है और देखें मेड विद ऑलमंड्स है, तो ऑलमंड्स की बनी हुई है। दिस इज सो गुड। सो द अपडेट इज कि हम, हाँ वो तो उसकी वॉइस ओवर की जैसे प्रॉब्लम हो रहा है ना, नहीं देखी हमने। हाँ आपने देखनी है तो देख ले। जी जी देखूंगी। हाँ जी, तो अपडेट ये है कि आज सुबह से ही हम लोग लगे हुए थे सारी चीजें सेट करने में। मैंने अमेज़ॉन से दो तीन चीज़ें मंगाई थी क्योंकि जो मैं इतने सारे बर्तन ले आई हूँ उसकी जगह तो थी नहीं, तो उसकी जगह बनाने के लिए मैंने अमेज़ॉन से एक दो चीज़ें मंगाई थी। वो बना के मैंने पूरी कैप ऑर्गेनाइज़ किया किचन को प्रॉपर्ली एंड थैंकफुली हर चीज़ फिट हो गई है, सेट हो गई है, जगह पे आ गई है। और क्या चीज़ें थी वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, और कैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है और क्या ऑर्गेनाइजर्स मैंने मंगाए थे वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह सून। बस उसी सब में लगे हुए थे। फिर जितनी भी बेडशीट्स थी उन सब के लिए जगह बनाना, क्योंकि बेडशीट्स के लिए बहुत छोटा सा शेल्फ है मेरे पास, उस सब के अंदर उनको एडजस्ट करना, वो सारा काम किया। सुबह से ही इस सब चक्करों में लगे हुए थे। अब ग्रॉसरी करके आए हैं, ग्रॉसरी करके आइसक्रीम इन्जॉय मैंने करी। अब मैं थोड़ा सा आधे घंटे के करीब थोड़ा रेस्ट लूँगी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी और बनाऊँगी बीफ बिरयानी। आज हस्बैंड का काफ़ी दिल चाह रहा था खाने का, और जब से हम पाकिस्तान गए थे मैंने खिलाई भी नहीं, लाइक उन्होंने बिरयानी तो बहुत दफ़ा खाई बट ही इज़ लाइक कि अपने हाथ की बिरयानी खिला दो। सो आज जो है वो बिरयानी बनेगी, और फिलहाल मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे डे को। आधे घंटे का सोच के गई थी लेटने के लिए, लेकिन ज़्यादा टाइम ही हो गया था। जब फ़ोन स्क्रॉल करने लगो ना तो बस ऐसे ही वक्त निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। खैर मैं आ गई थी अपनी बिरयानी बनाने के लिए, एंड ज़ोरों शोर से बिरयानी की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैंने अनियन काट के ब्राउन करने के लिए रख दी हैं, ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। टमाटर भी कट गए हैं, पुदीना भी कट गया है, ये सब्जियाँ हैं जो मैं काट रही हूँ, हरी मिर्चें हैं, पुदीना धनिया है, ये है बीफ और ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। रिमेम्बर पाकिस्तान जाने से पहले मैंने जो जिंजर गार्लिक फ्रिज में रखा हुआ था उसको बना के फ्रीज़र में रख दिया था, और फिर उसके क्यूब्स काट के रख दिए थे। सो कुछ बड़े क्यूब्स काटे थे, कुछ छोटे। अब बिरयानी के लिए ज़्यादा चाहिए होगा तो मैंने बड़ा वाला निकाल लिया, बट ये मेरे घर का ही बनाया हुआ पेस्ट है। आई थिंक आप लोगों ने वो ब्लॉग देखा है, अगर आप लोग मेरे सारे ब्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान जाने से पहले जो मैंने सारी तैयारी की थी उसमें से ये एक थी। और क्योंकि हम फ्रिज खोल के ही गए थे, और अच्छा किया खोल के गए क्योंकि अब जो है ना काफ़ी आसानी हो गई है वापस आके। थोड़ी बहुत मैंने किचन में चेंजेस किए हैं, मैंने बताया था आपको अमेज़ॉन से मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं ऑर्गेनाइजर्स वगैरह इस तरह के, और ये सारी चेंजेस हैं वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी फ़िलहाल टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, 6:30 हो चुके हैं और मैंने खाना अब बनाना शुरू किया है, लेट हो गया है काफ़ी आज खाना। सो बस अब जल्दी से ये सब बनाते हैं खाना। बिरयानी की रेसिपी तो आप सबको आती ही होगी और मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं क्या शेयर करूँ, बनाकर आप लोगों से मिलेंगे। क्विक अपडेट, मसाला बिरयानी को ऑलमोस्ट रेडी है, गोश्त गल गया है, यहाँ पे आलू बॉईल हो गए हैं, यहाँ पे मैंने सारा
खड़ा मसाला और पुदीना मिर्चे डाल के पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब फटाफट मैं सैलेड बना लूंगी, कचूमर सैलेड इसके अंदर। और यार ये जब से मेरी ज़िंदगी में आया ना, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। आई नो लोग कहते हैं कि ये जल्दी ख़राब हो जाता है, जब ख़राब होगा तब की तब देखेंगे, बट फिलहाल इसने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दिया। तो बस जल्दी से कचूमर सैलेड बनाएंगे और रायता बनाएंगे, बाकी बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। और हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई थी। अच्छा, मैं जब भी राइस को दम पे लगाती हूँ ना, एक तो मैं तवा नीचे ज़रूर रखती हूँ, दूसरा जब 20-25 मिनट हो जाते हैं, राइस दम पे आ जाते हैं, तो मैं चूरा बंद तो कर देती हूँ लेकिन ढक्कन नहीं खोलती। मैं उसको स्टीम को स्लोली स्लोली खुद ही निकलने देती हूँ। बहुत ज़्यादा स्टीम में अगर आप राइस खोल देना तो वो टूट जाते हैं फिर मिक्स करने में, तो मैं थोड़ा वेट करती हूँ ज़रा स्टीम निकल जाए, फिर उसके बाद मैं खोलती हूँ। और पहले ना मैं सारी पूरी मिक्स कर लिया करती थी, लेकिन अब मैं थोड़ी मिक्स करती हूँ, लाइक आधी मिक्स करती हूँ, वो भी हल्के हाथ से, आधे व्हाइट राइस ही रहने देती हूँ। उससे वाकई टेस्ट में फर्क पड़ता है और सर्व करते हुए भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और ये इतने मजे की बनी थी ना, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रही, लेकिन वाकई ये बहुत मजे की बनी थी। आप लोग देख सकते हैं, एकदम खिला खिला राइस और बहुत यमी बिरयानी बनी थी, लाजवाब। बहुत दिनों बाद अपने हाथ की बिरयानी खा रही थी तो और भी ज्यादा मजे की लग रही थी। हस्बैंड ने भी बहुत सारी तारीफें करी, उनका दिल खुश हो गया और वो खुश तो मैं खुश। Afternoon on a train, I only took it because it started to rain. Afternoon in the fall, this weather always makes me think about it all. The woman across me, she's wearing a trench coat, a bouquet of roses, I wonder what they're for. और बस इसी सी खूबसूरत सी बिरयानी के साथ मैं आज का व्लॉग करूंगी एंड। वैसे मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों में से किसी को चाहिए तो जरूर बताइएगा, मैं एक दफा रिकॉर्ड करके फिर से अपलोड कर दूंगी। अब मैं कर रही हूँ अपनी बिरयानी एंजॉय, आप लोगों के मुंह में भी जरूर पानी आया होगा आई नो। जल्दी से आप लोग भी अपने घरों पे बिरयानी बनाएं, तब तक मैं जा रही हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।